लाडनू रतनगढ़ विधायक को जान से मारने की धमकी देने और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोपों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। नागौर पुलिस ने राज्य स्तरीय सनसनीखेज प्रकरण का खुलासा करते हुए आरोपियों को दबोचा। कुवैत से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए लाडनू विधायक मुकेश भकर और रतनगढ़ विधायक अभिनीश महर्षि को धमकी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी पवन गुदारा और संजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि राजू तेहट हत्याकांड में फरार आरोपियों को पकड़वाने और प्रकरण को हाईलाइट करने के लिए रोहित गुदारा के नाम से इंटरनेट कॉल के जरिए धमकी दी गई। मामले में नागौर पुलिस ने पिछले 2 महीने में देश के 12 से ज्यादा राज्यों और शहरों में टीमें भेजकर तकनीकी साक्ष्य जुटाए। रोहित गुदारा की गिरफ्तारी और सरकार पर दबाव बनाने और इसके खिलाफ अन्य प्रकरण दर्ज करवाने के लिए रोहित गुदारा के नाम से धमकी दी गई। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से कई थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर को 3 अप्रैल की रात 11 बजे धमकी मिली थी। फोन करने वालों ने खुद का नाम रोहित गुदारा बताया। विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी राम मूर्ति जोशी ने एक विशेष टीम का गठन किया। विधायक को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करवाई गई। वहीं स्थानीय पुलिस को विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। एसपी ने बताया कि एक विशेष टीम को थानाधिकारी लाडनू के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा भेजा गया। तकनीकी साक्ष्यों की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जानकारी जुटाई। संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकाने अगरतला, कोलकाता, दहार, कंडा, हकीमपुर, गोपालनगर, पेट्रोपाल, परगना, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर तलाश की गई। टारगेट नंबर की ओर से किए गए आउट गोइंग कॉल का विश्लेषण किया गया तो कुछ नंबरों का कनेक्शन पंजाब हरियाणा की ओर से आने से एक टीम को वहां भेजा गया। कनेक्टिविटी के दायरे में आए सैकड़ों नंबरों को भौतिक रूप से चेक कर जानकारी जुटाई।